तो मेरा प्रॉब्लम ये रहा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता खुल के कि भाई मेरे साथ में क्या दिक्कतें हुई थी, क्योंकि अगर मैंने ऑन कैमरा चीज़ें वो बता देता हूँ तो वो इन फ्यूचर मेरे ऊपर और ज़्यादा बड़े लेवल पे हावी होकर के मुझ पे ही पड़ेंगी। तो इसीलिए बस मैं इतना कह सकता हूँ उस सिचुएशन के लिए कि हाँ मैं वैसे सेफ था और बस अभी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। एक और प्रशांत बौद्ध ने लिखित में माफ़ी मांग ली है, उन्होंने ये कहा कि लिखित में माफ़ी मांग ली है पर उन्होंने जो लिखित थी वो दिखाया नहीं, इस पे क्या कहना चाहिए? एक वीडियो ऐसी नहीं है, जो भी है सब विरोध में कि प्रशांत बोध तेरे को हम मार देंगे, तेरे को हम काट देंगे, तो अपना चैनल बंद कर दे। प्रशांत बोध ने माफी मांग ली, प्रशांत बोध ये गायब हो गया, प्रशांत बोध किडनैप हो गया, प्रशांत बोध पर बुलडोजर बाबा चलेंगे। अरे भाई थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ा तथ्य वो रखेंगे नहीं, फैक्ट वो रखेंगे नहीं, बस फालतू की हवाबाजी जो है करेंगे। कहते हैं ये जो बाबा लोग हैं ये हमारे लोगों को आध्यात्म 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 करने का जो है वो करते हैं कि आप भगवान की प्राप्ति में लगो। अरे मेरे भाई ये बाबा लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अरे भाइयों तुम्हें आध्यात्म का ए तक पता नहीं है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाजिर हैं प्रशांत बौद्ध। प्रशांत बौद्ध एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा हैं और इनको आप देखते ही समझ गए होंगे कि प्रशांत बौद्ध हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजिर हैं और इनसे हम बातचीत इन्हीं के बारे में करेंगे क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनके बारे में शायद ही आप ना जान वो तमाम जो जानकारी है वो नहीं जान पाएंगे। फिलहाल प्रशांत बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई हमसे बातचीत करने के लिए। जी सर, एक सवाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, आप एक महीने बंद रहे यानी कि एक्टिव नहीं रहे सोशल मीडिया पर, तो एक सवाल रहा मुझसे भी, आपने मैंने भी उसके बारे में जानकारी दी वीडियो के माध्यम से, तो क्या मैटर रहा, क्यों नहीं आप एक्टिव रहे? उसके पीछे दरअसल क्या था कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है कर दी गई थी कुछ रिपोर्टिंग्स के माध्यम से, कुछ कंप्लेन के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो कि मुझे लगा कि उस टाइम पे चीज़ों को एक्टिव नहीं करना चाहिए, ना ही डालना चाहिए, और वही प्रॉब्लम्स फिर बढ़ती जा रही थी लेकिन उनको सॉर्ट आउट करने में जो है वही 1-1.5 महीने का जो टाइम लगा था, तो इस वजह से फिर मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। और फिर बाद में जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या सारी चीज़ें हैं, तो मेरा प्रॉब्लम ये रहा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता खुल के कि भाई मेरे साथ में क्या दिक्कतें हुई थी, क्योंकि अगर मैंने ऑन कैमरा चीज़ें वो बता देता हूँ तो वो इन फ्यूचर मेरे ऊपर और ज़्यादा बड़े लेवल पे हावी होकर के मुझ पे ही पड़ेंगी। तो इसीलिए बस मैं इतना कह सकता हूँ उस सिचुएशन के लिए कि हाँ मैं वैसे सेफ था और बस अभी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। एक और सवाल काफ़ी ज़्यादा उठा क्योंकि एक चैनल वाले हैं दा कोई है उनका नाम नहीं मालूम, और वो आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और वो ये कह रहे थे कि प्रशांत बौद्ध ने लिखित में माफ़ी मांग ली है, उन्होंने ये कहा कि लिखित में माफ़ी मांग ली है पर उन्होंने जो लिखित थी वो दिखाया नहीं, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो यही तो बात है, नहीं माफ़ी अगर कोई मुझे कहता है कि आप यहाँ पे गलत हैं और वास्तव में वो चीज़ गलती साबित होती है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उनका जो मकसद है वो मुझे मेरी गलतियाँ बताना थोड़ी है, मेरा विरोध करना है, लोगों को मेरे प्रति उकसाना है। अगर उनका जो मकसद है वो मेरे को गलती बताना होता या मेरी जो गलत काम है, जो मेरी गलत बात है उनको सही करना होता, तो जिस तरीके से मैं बाबाओं की कुछ बातों का आकलन करता हूँ फिर उस पर अपना विचार रखता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो उस तरीके से वो लोग करते। वो लोग ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई तू प्रशांत बोध कहाँ गलत बोला है, प्रशांत बोध ने क्या गलत बात बोली। एक भी वीडियो जो भी मेरे अगेंस्ट में है किसी वीडियो में ये नहीं है कि भाई इस प्रशांत बोध ने यहाँ पर ये बात बोली है और देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे होती है। एक वीडियो ऐसी नहीं है, जो भी है सब विरोध में कि प्रशांत बोध तेरे को हम मार देंगे, तेरे को हम काट देंगे, तो अपना चैनल बंद कर दे। प्रशांत बोध ने माफ़ी मांग ली, प्रशांत बोध ये गायब हो गया, प्रशांत बोध किडनैप हो गया, प्रशांत बोध पर बुलडोजर बाबा चलेंगे। अरे भाई थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लो, थोड़ा बहुत तो अपने मतलब जो भी काम कर रहे हो तुम लोग रिपोर्टिंग का कर रहे हो, मीडिया में काम कर रहे हो, थोड़ा उसको सही बनाओ ना, सटीक बनाओ। तथ्य वो रखेंगे नहीं, फैक्ट वो रखेंगे नहीं, बस फालतू की हवाबाजी जो है करेंगे। तो इसलिए बस मैं एक ही संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ कि आप विरोध ना करें, बात चीज़ों का विरोध ना करें, आप सवाल करें। आप अगर 10 सवाल करते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो मैं भी उसका जवाब दूँ। अब विरोधी लोग वीडियो बनाते हैं, हमारे लोग भी उनको देखते हैं, विरोधी लोग भी देखते हैं, तो फिर जो हमारे लोग हैं वो मुझसे कहते हैं, मेरे पे मैसेज पे मैसेज कॉल्स पे कॉल्स आती हैं कि अरे आप उसका जवाब दो, आप उसका जवाब दो। अब मैं देखता हूँ वीडियो कि भाई चलो जवाब देना चाहिए अगर किसी ने कुछ बोला है पूछा है तो। अब मैं वीडियो देखता हूँ तो वीडियो में देखता हूँ क्या कि बस वही फालतू की गाली गलोच मारना, पीटने की धमकी और लोगों को उकसाने वाली बातें। अब मैंने कहा यार इसमें जब कोई सवाल ही नहीं है तो मैं जवाब क्या दूँ, तो बस एक अनुरोध है कि भाई विरोध करने से ना तो आप मैं रुकने वाला हूँ, है ना, विरोध करने से थोड़ा ना रुक जाएंगे आप। हमें जिस तरीके से हम आप सवाल करें आप सवाल करो,
तो सवाल करना बेहतर है, विरोध से कुछ काम नहीं होने वाला। एक और काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप लगातार जो भी बात करते हैं तथ्य पे बात करते हैं, और एक आपका वर्ड वो नहीं है कि जो यानी आप फेंक दो, यानी जो भी एविडेंस दिखाओगे और उसी के आधार पर आप बात करोगे, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है और आप तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। समाज के लोग जय भीम करते रहते हैं कमेंट में, और उनका जय भीम का असर आप पर, और कितना सपोर्ट उनके जय भीम से मिल रहा है आपको? देखिए, सपोर्ट का तो बस ये होता है कि चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो उस टाइम पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मैनेज करने की। अब जब लोग बोलते हैं सपोर्ट के नाम पे कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, या जय भीम कमेंट में बोलते हैं, अब इससे वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मॉरल सपोर्ट बहुत मिलता है कि हाँ भाई चलो कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे इतना है। मैंने अभी देखा कि जो विरोधी लोगों ने वीडियोज़ बनाए थे, जब मैंने उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो 98% कमेंट सारे मेरे फेवर में थे, बाकी उनके कोई 2% लोग होंगे कि जो उनकी तारीफ कर रहे थे। अब उसमें मिश्रा, ब्राह्मण, पांडे, तिवारी, त्यागी लोग भी थे जो उसी को गाली बक रहे थे और मुझको सही ठहरा रहे थे। तो बस ये चीज़ें जो है, ये जो मॉरल सपोर्ट हमें करती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें देती हैं लड़ने के लिए, काम करने के लिए, कंटिन्यू जो है चलते रहने के लिए। बाकी तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर वो तो हम ही फेस करनी है, और उसके लिए हमें तैयार भी होना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लगातार आपकी जो भी विरोध हो रहा है वो ना, उसका ना कोई तथ्य होता है ना कोई होता है, फिर भी आप कभी डिमोटिव नहीं होते? मतलब फिर भी आपने सोचा हो यार अब क्या करें, और फालतू में इतना गाली मिल रहा है? हाँ, डीमोटिवेट भी होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैंने तो कुछ त्यागा व्यागा नहीं है भाई, मैं तो जैसे इंसान एक लड़का जीवन जीता है, वही सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं। तो डीमोटिवेशन भी आता है कई बार कि भाई जब जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है गालियों का, धमकियों का, और जब बड़े बड़े लेवल से धमकी आती है, बीजेपी के पार्टी के कुछ लोग होते हैं और जो संगठन हैं बड़े बड़े हिंदू धार्मिक, जब उनसे वार्तालाप होती है, जब वो लोग इस तरह की बात करते हैं, तो तब लगता है कि यार और जो हम काम कर रहे हैं इसको करें ना करें या यहीं छोड़ दें। कई बार आता है कि यार बहुत कर दिया, जितना भी काफ़ी लोगों में बदलाव आ गया है तो बहुत हो गया, हमारे जीवन का हिस्से का इतना बहुत है, लेकिन फिर समझ में आता है कि यार कोई और मुझे दिख भी तो नहीं रहा जो बाबा लोगों की बातों पर बोलने की क्षमता रखता हो, शक्ति रखता हो, हिम्मत रखता हो, या फिर उनके कही गई बातों पर तर्क करके वो अपनी बात भी रख सके। अभी कुछ लोग होते हैं इक्की दुख के वीडियो बना दिए, लेकिन कंसिस्टेंटली वो बाबा लोग जो भी हैं, और क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है बाबा लोगों की, कोई स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, कोई शहर के लेवल पे काम कर रहा है, कोई गली मोहल्ले के लेवल पे काम कर रहा है, तो इतने जो बाबा हैं उनको यदि हमने कंट्रोल नहीं किया, यदि उनकी गलत बातों का आकलन करके लोगों को सही बात सामने नहीं रखी, तो नतीजन ये होगा कि हमारे लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड से निकल के एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में चले जाएंगे। वो कमाने के लिए उनको मेहनत करने का वो नहीं रहेगा, उनको ये रहेगा कि हाँ अगर मैं इस फला भगवान की पूजा करूँगा, ये करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा, तो वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएंगे, ना वो मेहनत करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये जो बाबा लोग हैं ये हमारे लोगों को अध्यात्म 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 करने का जो है वो करते हैं, कि आप भगवान की प्राप्ति में लगो। अरे मेरे भाई, ये बाबा लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अरे भाइयों तुम्हें अध्यात्म का ए तक पता नहीं है, तुम बकवाद करते हो दुनिया भर की। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि कब आती है? जब इंसान विचार करता है, विमर्श करता है। विचार विमर्श कब तक कर पाएगा? जब वो अपने जीवन को जीता है प्रैक्टिकली, या फिर कुछ पढ़ाई करता है, उन विचारों का विमर्श करके जो कंक्लूजन निकलता है और वो जब उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। अब ये लोग पास होने के लिए बेलपत्थर के शिवलिंग पे जो है बेलपत्थर का पत्ता लगाने से, तो ये कहाँ क्या अध्यात्म है? इससे कौन सा उसका भला होने वाला है? कौन सा बच्चा इस तरीके से करके पास हो जाएगा? प्रशांत भाई, एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, आखिरी, और कम समय में आप जवाब देने की कोशिश करना, क्योंकि आप बाबाओं के खिलाफ बोलते हो, बड़े बड़े ऐसे जो लोग उनको भगवान मानते हैं, मतलब वो भगवान मान चुके हैं और सब कुछ, बच्चा और घर परिवार, नौकरी वोकरी सब उन्हीं के भरोसे बैठे, पढ़ाई लिखाई वो करते नहीं है, तो उनको आपकी चिंता रहती है कि प्रशांत बौद्ध ऐसा मत बोल वरना तू नरक में जाएगा और तू मर जाएगा, ये वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुमको क्यों नहीं ये चिंता सता रही है? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकलिटी पता है ना। वो कहते हैं कि तू जो है मरेगा, तू बाबा पे बोल रहा है तू मरेगा। मैंने कहा तो भाई तू कहाँ जिंदा रहेगा? फिर बोलते हैं नहीं नहीं तू एक्सीडेंट से मरेगा। तो मैंने कहा इसमें नहीं क्या बात है भाई, मैं आना जाना रोड पे करता हूँ तो हो सकता है मेरी मौत एक्सीडेंट से हो, तो इसमें नया क्या बता रहे हो तुम कि नहीं नहीं तू नरक में जाएगा? तो मैंने कहा भाई चले जाएंगे,
भाई जैसे हम यहाँ पे आ गए, हमें पिछले जीवन का कुछ नहीं पता, तो नर्क में जाने के बाद भी तो हमारा वो नया जीवन होगा, तो झेल लेंगे वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे झेल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा हम सुख सारी सुख सुविधाएं लेकर के पैदा हुए हैं, या कौन सा हम राजा खानदान बने, राजा जो है वो बने हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई तुम धर्म का वो मत करो, बारे मत बोलो, बाबाओं के बारे मत बोलो, सवाल मत उठाओ, अपमान मत करो, वरना जो तुम्हारा अगला जीवन है वो ऐसा होगा वैसा होगा फलाना ढिमकाना। अरे भाई जैसा भी होगा वो अगले जन्म में देख लेंगे। अब उसी व्यक्ति से एक सवाल पूछो, अगर मान लिया आप इस बात को कहते हैं, मैं आपसे बात पूछता हूँ कि आपका पिछला जन्म कैसा था, क्या आपको पता है? आपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, क्या आपको पता है? तो आज जो आप फल भोग रहे हो, कहते हैं ना पिछले जन्म में, तो आप भोग रहे हो ना, तो उसी तरह आगे भी भोग लेंगे। जब हमें पहले का नहीं पता तो आगे की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे आज की चिंता करो भाई, क्योंकि जो आपका जो परिवार है ना वो आज में जी रहा है, आप जो जी रहे हो वो आज में जी रहे हो, तो आज की चिंता करो, ना कि बहुत दूर के कल की। फिर भी समाज इन आपसे मतलब तमाम लोग जुड़ते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, फिर भी समाज को आप क्या, किस तरीके से आपको सहयोग करें, किस तरीके से सपोर्ट करें? अब देखिए सपोर्ट के लिए तो बस वही वाली चीज़ें हैं कि जो लोग हैं वो देखें, समझें, सीखें, और जो लगता है कि जिनको चीज़ों को सीखना चाहिए, जहाँ तक बात जानी चाहिए, जो लोग आज भी अंधकार में पड़े हुए हैं, फालतू की चीज़ों को करने में लगे हुए हैं, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड से निकल के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है जा चुके हैं कि भक्ति भक्ति अगर हम करते रहेंगे, किसी को प्राप्त करने में लगे रहेंगे तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, उन लोगों तक वो वीडियोज़ को पहुँचाने का काम किया जाए। क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति में लग जाओ, बाबा लोग जो कहते हैं, तो बाबा लोगों सुनो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ, जो तुम कहते हो ना भगवान की प्राप्ति में लग जाओ, भगवान को प्राप्त करो, कोई भोले को प्राप्त करने को कहता है, कोई राम को प्राप्त करने को कहता है, कोई कृष्ण को, कोई किसी को, कोई किसी को, और प्राप्ति का तरीका क्या है कि आप हमारे मठ में आ जाओ और यहाँ पर आकर के भक्ति कीर्तन भजन अजन ये सब चीज़ें जो है करते रहो। तो यार एक बात बताओ आप, अब लोग आप बताओ भाई, उस भगवान ने तुम्हें बना करके भेजा है, तो तुम मरोगे तब भी उसी के पास जाओगे, और जीवन में भी तुम भगवान को पाने में लग गए, तो तुमने जीवन में करा क्या? तुम्हें जो इंसानी जो जीवन मिला है उसका तुमने क्या उपयोग किया? अब जब तुम भक्ति में लगोगे तो कौन सा जीवन जियोगे? एक जानवर वाला, जानवर वाला कैसे कि सुबह उठोगे, खाओगे पियोगे, फिर भक्ति में लग गए, फ्रेश होगे, फिर खाओगे पियोगे, भक्ति में लग गए, उठोगे जियोगे, तो जानवर क्या करते हैं? ये तो करते हैं, खाना पीना खाया, घूम रहे हैं अपना आराम से, फिर शाम का जुगाड़ किया। तो एक जानवर वाला जीवन, अगर इंसान वाला जीवन मिला है तो इस मस्तिष्क का उपयोग करके इस देश को कैसे डेवलप किया जाए, इस देश के संसाधन कैसे बनाए जाएं, अपने संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं, अपना घर कैसे बढ़ाया जाए, अपना संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, अपनी सुख सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काम करना चाहिए, अपनी शिक्षा पर काम करना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत बौद्ध भाई ने जो भी बातें कही हैं वो एक एक बात सोचने समझने वाली है और एक बात का अर्थ कही है, यानी कि तमाम जो इन्होंने कहा है कि बाबा वगैरह जो कह रहे हैं कि भक्ति में लग जाओ, जो भक्ति वाले कह रहे हैं ना उनके पास इतना संपत्ति है जो संख्या में आकलन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो पंडाल में आके कहता है ना कि ये सब चीज़ें मोहमाया है, संसार मोहमाया है और पैसे का लोभ जो है वो मोहमाया है, वही आदमी BMW से आता है। ये बाबा लोगों की जो रैली निकलती है उसमें 50-50, 100-100 गाड़ियाँ होती हैं, और वो BMW मर्सिडीज ऑडी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, तो भाई तुम तो यार लाभ ले रहे हो, तुम तो मोहमाया में पड़े हुए हो, हैं? और इनके जो लड़कियों के केसेस निकल करके आते हैं, तुम वासना का भी लाभ ले रहे हो, तुम गाड़ियों का भी लाभ ले रहे हो, तुम पैसे धंधाने से भी लाभ ले रहे हो, और जब तुम अपनी गद्दियों पर बैठते हो तो गद्दी भी वो सिंहासन टाइप होती है, बिल्कुल गुदगुदेदार, और गर्मी के टाइम पर 2-3 कूलर AC सब लगा होता है, तुम कौन सा मोहमाया त्याग रहे हो भाई? तो मतलब तुम खुद लेकर के लोगों से ये कहना चाह रहे हो कि तुम अपना मोहमाया त्याग के मुझको दे दो, हमें दे दो, हम इसका उपयोग करेंगे, और तुम साले वही करते रहो जो हम तुमसे करवाते रहेंगे। प्रशांत बोध की जो भी बातें इन्होंने कही, इनकी बातों पर आप अपनी राय कमेंट में देना, हर एक बात तथ्य और आधार पर निर्धारित है, और हर एक तथ्य का एक बड़ा पहलू निकल कर आ रहा है, सोचने समझने वाली और बात मैं तो है। फिलहाल कहना चाहूंगा विशाल भाई कि जो आप काम कर रहे हैं बीमिशन टीवी के माध्यम से, ये काम इतना सराहनीय है और जरूरी है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको हम कह सकते हैं मनु स्ट्रीम मीडिया, वो ना तो इन बातों पर विचार करता है, वो सुबह सुबह अपने प्राइम टाइम शो में जब इंसान घर से निकल रहा होता है और जब वो फ्रेश माइंड से होता है उस टाइम पे वो लोग कचरा परोस देते हैं उनके दिमाग में, ग्रह नक्षत्र का कचरा, शनि ग्रह का चढ़ने का कचरा, और ये सब चीज़ें तमाम तरह की राशि कुंडली इन सब चीज़ों का कचरा दिमाग में भर देते हैं, और फिर इंसान के जीवन का जो अगला पूरा दिन है वो फिर उन्हीं चीज़ों में उलझ के कटता है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप BMission TV के माध्यम से जो है लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों की जो जीवन में आगे बढ़ने की जो चीज़ें हैं उनका सही चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत भाई का भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया, लोगों को जागरूक
किया। अगर आपको प्रशांत भाई का काम अच्छा लगता है तो आप इनसे जुड़िए, प्रशांत बहुत पेज है फेसबुक पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। और बी मिशन टीवी का कार्य अच्छा लगता है तो बी मिशन टीवी से जुड़िए, फेसबुक पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम भाई, जय भीम।